हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ पूजा सेतिया हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग इन एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसमें हम पीछे से एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन तक कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम क्वेश्चन नंबर थर्टी करेंगे जिसमें हमें रिवैल्युएशन पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें बनानी है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि ईजी से ईजी ट्रिक आपको बता पाऊँ ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए कैपिटल रिवैलुएशन और बैलेंस शीट बनाने में स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्टी देखो ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो थ्री टू वन ये ओल्ड रेशो दी हुई है अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन वाज एज आपको लाइबिलिटी साइड देखो क्या क्या पड़ा है क्रेडिटर्स रखे हुए हैं बिल्स पेबल रिजर्व और कैपिटल के बैलेंसेज दिए हुए हैं ए बी सी के और एसेट साइड में वैल्यूज में मैं अमाउंट नहीं रीड कर रही हूँ अभी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं नोट डाउन कर दूंगी बोर्ड के ऊपर एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग प्लांट स्टॉक डेटर्स और बैंक का अमाउंट दिया हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है इसके नीचे ही जो फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली तीनों पार्टनर्स ने क्या किया रेशो को चेंज कर लिया न्यू रेशो हो गई इक्वल हो गई फॉर दिस इट गुडविल ऑफ द विल बी वैल्यूड वैल्यूड का मतलब क्या होता है हमेशा नया प्राइस गुडविल दी है आपको वन लैख फिफ्टी थाउजेंड की लैंड विल बी री वैल्यूड लैंड का क्या दिया रीवैल्यू रीवल्यूड का मतलब भी क्या होता है नया प्राइस एट्टी थाउजेंड दिया और बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई सॉरी डेप्रिशिएटेड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाई बिल्डिंग का प्राइस क्या हो गया कम हो गया क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ सिक्स थाउजेंड वर नोट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैं शुड बी रिटर्न ऑफ मैं क्या करती हूँ दो दो आपको एंट्रीज लिखती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी कि कैसे करनी है आपको नीचे बोले प्रीपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म अब हमें जो नीचे इंफॉर्मेशन दी थी थ्री दी थी एक गुडविल की दी थी एक लैंड बिल्डिंग और क्रेडिटर्स की दी थी गुडविल वैल्यू की तो हमारा क्या है उसकी एक अलग जर्नल एंट्री बनेगी उसकी हम बाद में करेंगे पहले हम जो री वैल्यूएशन हमारा क्या होता है रीवैल्यूशन अकाउंट बनाना है उन्होंने बोला है नीचे की प्रिपेयर री वैल्यूशन अकाउंट तो हम पहले रीवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे मैंने जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो मैंने नोट डाउन कर ली देखो सबसे पहले सेकेंड वाली करेंगे देखो मैंने क्या एक अपने शॉर्ट में डाला हुआ है रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन का क्या होता है देखो मैं फिर भी आपको बता देती हूं रीवैल्यूएशन में क्या होता है रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन होता किसका है एसेट्स का एसेट्स का और लाइबिलिटीज का ठीक है एसेट्स का और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या डालते हैं जितना आपको इन दोनों के ऊपर प्रॉफिट या फिर लॉस होता है सिर्फ हम उतना ही अमाउंट डालते हैं रीवैल्युएशन अकाउंट में अगर आपको देखो प्रॉफिट या लॉस होगा कैसे एसेट का प्राइस अगर इंक्रीज होगा क्या होगा इंक्रीज होगा तो हमें क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा क्या हो जाएगा फिर प्रॉफिट हो जाएगा तो वो रीवैल्युएशन में कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट जब भी होगा क्रेडिट साइड में चला जाएगा अब ऐसे ही अगर एसेट का प्राइस क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी कम हो जाती है तो आपको क्या हो जाएगा उस पर लॉस हो जाएगा सिंपल सी चीज है क्योंकि एसेट हमारी अपनी होती है एसेट का प्राइस इंक्रीज होगा तो आपको प्रॉफिट होगा और अगर एसेट का प्राइस डिक्रीज होगा तो लॉस होगा सेम ऐसे ही लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या होगी अगर इंक्रीज होगी लाइबिलिटी क्या होगी इंक्रीज लाइबिलिटी होती क्या है कि हमको बाहर पेमेंट करनी है किसी को पैसे देने हैं अगर लाइबिलिटी हमें पता चले कि हमें जिसको जितना पैसा देना था पता लगा कि अब हमें उसको ज्यादा देना है इंक्रीज हो गई तो हमें क्या हो जाएगा नेचुरली है कि आपको क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा अगर लाइबिलिटी क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है क्या हो जाती है डिक्रीज अब हमें पता चला कि हमें क्या लाइबिलिटी कम किसी को हमें जितना पैसा मान लो दस हजार रुपए देने थे पता चला कि अब हमें सिर्फ पांच हजार देने हैं तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया बस रीवैल्यूएशन के लिए आपको इतना ही कॉन्सेप्ट लर्न करना है आपको एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है नया प्राइस अब सबसे हम पहली वैली में करते हैं पहला क्या बोल रहा है लैंड क्या बोल रहा है लैंड रीवैल्यूड रीवैल्यूड का मतलब क्या होता है नया प्राइस और जो बैलेंस शीट के अंदर दिया होता है बैलेंस शीट के जो अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमने पुराना प्राइस पहले कितना प्राइस है फिफ्टी थाउजेंड और अब क्या हो गया नया प्राइस क्या है एट्टी थाउजेंड क्या हो गया इंक्रीज हो गया तो हमें क्या हो गया प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में और अगर लॉस हो जाता है तो वो कहा जाएगा डेबिट साइड में सिंपल सी चीज अब मुझे लैंड के ऊपर क्या हो रहा है 50 था प्राइस क्या हो गया 80 तो क्या हो गया बढ़ गया प्रॉफिट हो गया तो मैं क्या करूंगी री अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखो स्ट्रक्चर क्या होता है ये डेबिट साइड होती है पहले पर्टिकुलर यहाँ पे हम वो देंगे कि किस चीज की आप एंट्री कर रहे हो ये डेबिट साइड का अमाउंट यहाँ पे फिर पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे एक लेजर बनता है इलेवंथ में आपने लेजर बनाया था ना किसी एक अकाउंट का सेम वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर पर्टिकुलर क्रेडिट साइड की आपको देनी है एंट्री कि आप किस चीज़ की एंट्री कर रहे हो और उसका अमाउंट सबसे बस यही बात याद रखनी है कि री अकाउंट में किसी चीज पे आपको जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा सिर्फ वही अमाउंट डालना है टोटल प्राइस नहीं डालना है अब क्या हुआ मुझे लैंड पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड डालेंगे तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट कितना प्रॉफिट हो रहा है फिफ्टी की डी एट्टी तो कितना प्रॉफिट हो गया थर्टी क्लियर मुझे कितना प्रॉफिट हो गया मैंने कैसे निकाला एट्टी माइनस फिफ्टी क्योंकि मैंने वही चीज़ डाली जितना मुझे प्रॉफिट हुआ नेक्स्ट बिल्डिंग आप अपनी अपनी बुक्स में देखना मैंने नोट डाउन कर लिया था कि बार बार मैं बुक शो ऑफ ना करूं अब बिल्डिंग बिल्डिंग का क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन हुआ बिल्डिंग का क्या हुआ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे लिए फिक्स एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है क्या कर देता है डिक्रीज जब बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो मुझे क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो लॉस कहाँ जाता है डेबिट में जाता है लॉस कहां जाता है डेबिट साइड में और प्रॉफिट कहां जाता है क्रेडिट साइड में तो बस सिंपल सा मुझे पता चल गया कि मुझे किस साइड एंट्री करूंगी साइड में तो यहां लिखूंगी टू बिल्डिंग अकाउंट कितना हुआ कितना सिक्स परसेंट लगाना है आपका प्राइस कितना है बिल्डिंग का फिफ्टी थाउजेंड तो नीचे फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर सिक्स परसेंट का डेप्रिसिएशन तो कितना हो गया तीन हजार जितना लॉस या इनकम होती है बस उतना ही अमाउंट डाला है। मुझे कितने का लोस हो है? तीन हजार तो मैं क्या डाल दूंगी पूरा थ्री थाउजेंड रुपीज डाल दूंगी क्लियर अब नीचे वाली एंट्री क्रेडिटर्स की इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री ये मैंने अपनी शॉर्ट्स में भी डाली हुई है क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड आगे लिखा हुआ है आपका इसका मतलब क्या है क्रेडिटर्स क्या होता है सबसे पहली बात लाइबिलिटी होती है लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर कुछ पे करना है हमें पता है कि क्रेडिटर्स को कितना पे करना है मुझे फिफ्टी थाउजेंड क्रेडिटर्स को कितना मुझे पता है कि मुझे कितना पे करना है बाहर पचास हजार रुपए का बैलेंस है जो मेरा उधार पड़ा है ठीक है पे करना है अब उसमें से पता चला कि सिक्स थाउजेंड रुपीज जो है इसका मतलब है कि सिक्स थाउजेंड रुपीज के जो क्रेडिटर्स हैं वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम मुझसे नहीं मांगेंगे मुझे पता चला कि छः हजार रुपये के क्रेडिटर्स का मतलब ये नहीं होता कि ये एक पर्सन है क्रेडिटर्स नंबर ऑफ पीपल्स ठीक है ग्रुप ऑफ पीपल कि इसमें क्या बहुत सारे पर्सन होते हैं इसमें एक नहीं होता इसमें से एक पर्सन ऐसे क्रेडिटर्स हैं या दो या तीन जैसे भी मान लो सिक्स थाउजेंड रुपीज के आपसे वो नहीं मांगेंगे कि कम मांगेंगे आपसे छः हजार रुपये नहीं मांगेंगे तो जब लाइबिलिटी क्या हो गई मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई मुझे पता चल गया कि मुझे कम पे करना है डिक्रीज हो गया तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए प्रॉफिट और प्रॉफिट किस साइड जाएगा रिवेल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पता लग गया मुझे तो मैं यहां डाल दूंगी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ मुझे सिक्स थाउजेंड वो सिर्फ सिक्स थाउजेंड रुपीज ही नहीं मांगेंगे तो मुझे फिफ्टी थाउजेंड रुपीज देने थे अब सिक्स थाउजेंड रुपीज मुझे नहीं देने हैं तो मुझे जितना मैंने अभी बोला कि रिवैल्यूशन में वही अमाउंट जाता है जितना आपको प्रॉफिट होगा जितना आपको लॉस होगा मुझे कितने अमाउंट का प्रॉफिट और है सिक्स थाउजेंड का तो मैं यहाँ पर डाल दूंगी मेरा रिवेल्यूशन अकाउंट की एंट्री कंप्लीट होती है अब मैं क्या करूँगी दोनों साइड जब भी आप किसी का लेजर बनाते हो तो दोनों साइड्स का टोटल क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए अब देखो किस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है थर्टी प्लस सिक्स इस साइड का टोटल मोर देन है कितना है थर्टी सिक्स और इधर कितना है थ्री थाउजेंड तो आपका इधर का ज्यादा है अगर क्रेडिट क्रेडिट साइड में क्या होता है हमारा प्रॉफिट होता है प्रॉफिट क्या है ज़्यादा है और लॉस क्या है कम है तो इधर का प्रॉफिट तो इधर डेबिट साइड जो बैलेंस बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा प्रॉफिट होगा तो ये प्रॉफिट किस में जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस में ए बी और सी में कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स में से थ्री माइनस कर दो कितना टोटल आएगा थर्टी थ्री थाउजेंड दोनों साइड्स का टोटल इक्वल कर दोगे और अब हमारे पार्टनर्स कौन थे ए बी एंड सी ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं उनकी हमारी रेशो क्या है अब हमें क्वेश्चन में ए बी सी की स्टार्टिंग में ही ना क्वेश्चन में इनकी रेशो दी हुई थी ओल्ड रेशो और उन्होंने न्यू रेशो हमने चेंज कर ली थी वन इज टू वन इज टू वन हमेशा याद रखना कि जब रिवेल्यूशन अकाउंट बन रहा हो जब भी इस साइड भी बैलेंस बचे या फिर इस साइड बैलेंस बचे तो अगर प्रॉफिट या लॉस होता है वो वो हमेशा जब रिवेल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कौन सी रेशो में होगा ओल्ड रेशो में होगा कौन सी रेशों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में और ओल्ड पार्टनर्स में ये पूरी पार्टनरशिप फर्म की जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सब में एक ही रूल है जब भी रिवेल्यूशन अकाउंट बनेगा प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारी अब ओल्ड रेशो क्या है थ्री टू वन अब थर्टी थ्री थाउजेंड बचाना इन ए बी सी तीनों में हम डिवाइड कर देंगे अब देखो डिवाइड करने का भी कई बच्चे पूछते हैं कि कैसे होता है थर्टी थ्री थाउजेंड है ना रेशो क्या है थ्री टू वन इसका टोटल कर लिया करो थ्री टू वन का टोटल क्या हुआ सिक्स हुआ इसको सिक्स से पहले डिवाइड कर लो वो इजी हो जाता है सिक्स से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा फिफ्टी फाइव हंड्रेड बस अब जो इनके आगे नंबर है उनसे मल्टीप्लाई करते जाओ फिफ्टी फाइव हंड्रेड इंटू थ्री फिफ्टी फाइव हंड्रेड इंटू टू फिफ्टी फाइव हंड्रेड इंटू वन इनके नंबर आ गए और इनके आगे इनका अमाउंट लिख देंगे अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आप कर ही लोगे इसका आ रहा है सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसका आ रहा है इलेवन थाउजेंड और इसका आएगा फिफ्टी फाइव हंड्रेड ये मेरा रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट होता है अब इसके आगे जो मेरी और एक इंपॉर्टेंट एंट्री जो रह गई थी एडजस्टमेंट में मैंने सेकेंड और थर्ड कर ली इससे ऊपर अब गुडविल वाली एंट्री है और फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अब नेक्स्ट हमने बनाना है रिवेल्यूशन अकाउंट तो हमारा कंप्लीट हो गया था अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल कौन बनाएंगे अब पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमने सारी तीनों एडजस्टमेंट कर ली नहीं हमने सेकंड और थर्ड करी थी जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड थी अब हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी ना आप अपनी अपनी बुक में चेक करो गुडविल वैल्यूड गिवन था हमें वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का अब हमारा चैप्टर कौन सा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गुडविल वैल्यूड पूरे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गुडविल वैल्यूड की आपको एक एंट्री पास करनी है उसका नाम क्या है हमारा गुडविल वैल्यूड होना चाहिए एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए कि ऊपर वाली बैलेंस शीट में गिवन हो नहीं गुडविल वैल्यूड की आपको कौन सी एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री जो जो चीजें मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में कर रही हूं ना ठीक है आपको तो नीचे बनाना ही है लेकिन जो वर्किंग नोट आपको बता रही हूं आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाओ हर चैप्टर का एक अपना अलग एक नोटबुक बना लो जिसमें चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं उसको नोट डाउन कर लिया करो वो आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे हमारी जो गुडविल वैल्यूड की एंट्री कौन सी होगी एडजस्टमेंट एंट्री कौन से चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट में पूरे चैप्टर का एक ही रूल फॉलो करना है गुडविल वैल्यू की कौन सी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री का मैंने एक रूल बनाया हुआ है इस चैप्टर में आपको मैंने बता पीछे क्वेश्चन में बताया भी था उसका एक रूल है हमारा रूल नंबर वन जो रूल वन है वो क्या है आपको एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब पता है क्या होता है कि आपको क्या करना है जब हमें सेक्रीफाइजिंग या फिर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाना है जिसमें आपको क्या करना है नेगेटिव पार्टनर को डेबिट करना है और पॉजिटिव पार्टनर को क्रेडिट करना है सबसे पहला वन आपको रूल वन याद करना है कि एडजस्टमेंट एंट्री में नेगेटिव पार्टनर डेबिट पॉजिटिव पार्टनर क्रेडिट अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है मुझे एडजस्टमेंट एंट्री में सेक्रीफाइजिंग रेशियो का सेक्रीफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कब कर, किस में करना है आपको गुडविल वैल्यूड की एंट्री में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशो चैप्टर में अब वो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई पे करना है वो आपका किस पे डिपेंड करेगा कि जिसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है उसका बैलेंस या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव बैलेंस पे सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला कब होगा जिसका पॉजिटिव बैलेंस होगा जिसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और इसका फॉर्मूला कब अप्लाई होगा जिसका बैलेंस क्या होगा नेगेटिव होगा गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्लियर अब गुडविल वैल्यूड जो गुडविल वैल्यूड होती है वो कौन सी गुडविल होती है हमारी न्यू गुडविल होती है कभी कभी सिर्फ इसी का ही क्वेश्चन आता है आपको गुडविल वैल्यूड का अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर और आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा ठीक है अब गुडविल वैल्यूड है ना गुडविल वैल्यूड का हमेशा नई गुडविल का कौन सा बैलेंस होगा पॉजिटिव बैलेंस होगा कौन सा बैलेंस होगा पॉजिटिव पॉजिटिव बैलेंस में मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है सेक्रीफाइजिंग रेशो का और मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अब क्या करूंगी मैं अब तीनों पार्टनर्स की सेक्रीफाइजिंग रेशो का फॉर्मूला लगा लूंगी ए बी और सी ए का बी का ये आपको वर्किंग नोट में करके दिखाना है ये वाला ये तो मैंने आप ये अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करनी है ये वाली चीज़ ठीक है इसको आप नोट डाउन कर लो ये चीज़ आपको अगर पूरा क्वेश्चन आता है तो आपको वर्किंग नोट बनाना है ए बी सी ए की रेशो जो ओल्ड रेशो है वो थ्री बाय सिक्स है और इसकी टू बाय सिक्स इसकी वन बाय सिक्स न्यू रेशो इनकी क्या थी आप अपनी अपनी बुक्स में चेक करो इक्वली थी जो इन्होंने चेंज कर ली थी अब हम डायरेक्ट इसको ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं इसका सिक्स है इसका थ्री है तो इसको भी मैं क्या करूंगी नीचे वाले नंबर जो डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो सेम बनाना पड़ता है ये सिक्स है तो इसको भी मैं सिक्स बनाऊंगी सिक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी सिक्स बनेगा अब क्या करूंगी जो नीचे मल्टीप्लाई होता है वही सेम क्या होना चाहिए ऊपर भी उसी से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए तभी आपका नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और ऊपर के नंबर चेंज हो जाएंगे नीचे का क्या आ गया सिक्स आ गया थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू इसका क्या आ गया वन बाय सिक्स इसका क्या आया पॉजिटिव में आया इसका क्या आएगा टू बाई सिक्स है इसका देखो टू माइनस टू इसका तो जीरो आ गया इसका देखो सिक्स सिक्स है तो इसका क्या हो जाएगा इसका वन माइनस टू इसका क्या आ गया माइनस वन बाय सिक्स आ गया देखो अब वही सेम बात आ गई ना हमें क्या करनी थी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी थी क्लियर एडजस्टमेंट एंट्री का रूल क्या था जिसका नेगेटिव पार्टनर आएगा वो डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में और जिसका पॉजिटिव आएगा वो क्रेडिट हो जाएगा गुडविल वैल्यूड की हमेशा जर्नल एंट्री पास करके देखनी है तभी आप कैपिटल अकाउंट में उसको शिफ्ट कर पाओगे अब क्या हुआ मेरी जर्नल एंट्री मुझे वर्किंग नोट में बनाना है मुझे कोई जर्नल का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है मैं करके देखूंगी ताकि मेरा अमाउंट सीधा सही जगह पर पुट हो जाए अब नेगेटिव कौन आया सी आया बी तो जीरो हो गया मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी मैं साइड में कर रही हूँ क्या हो जाएगा सी डेबिट सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट सी डेबिट हो गया और ए क्रेडिट हो गया वन बाय सिक्स वन बाय अब मुझे अमाउंट डालना है जितना भी इनका शेयर आता है ना मुझे किसकी एंट्री पास करनी थी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड की जो भी आया वन लैख सिक्स आया इसके आगे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं इसको वन लैख फिफ्टी थाउजेंड को जो अमाउंट आएगा वो मुझे डाल देना है इसको डिवाइड कर दूंगी पहले किस पे जाएगा मान लो थ्री पे कर दो थ्री टू सिक्स थ्री फाइव द फिफ्टीन टू वन द टू टू इसको करूंगी तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इसका भी यही सेम आ जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो इधर क्या आ गया इसका भी ट्वेंटी फाइव आ गया और इसका भी ट्वेंटी फाइव आ गए ये मेरी जर्नल एंट्री पास होगी अब मैं बनाऊंगी कैपिटल अकाउंट अब मेरे कैपिटल अकाउंट की ऑलमोस्ट चीजें क्या हो गई हैं कंप्लीट हो गई हैं अब मैं इसके कैपिटल अकाउंट्स के भी क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं कैपिटल अकाउंट्स के भी क्या होते हैं स्टेप होते हैं अब वो भी क्या करोगे हम नोट डाउन करोगे अब हम देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट जब भी आप किसी भी पार्टनरशिप चैप्टर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ठीक है या फिर रिजोल्यूशन आगे लास्ट में आएगा उसमें जिसमें भी आप कैपिटल अकाउंट बनोगे उसके स्टेप से बनाया करो स्टेप से जब बनाओगे ना तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं क्वेश्चन में जो रह जाती है कभी कभी बच्चों की सबसे पहला स्टेप होता है आपको मैं अभी लिखने आपने नहीं लिखना लेकिन मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे सबसे पहले नंबर पर हमारा स्टेप होता है क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी बाईलेंस पी डी का मतलब है कि आपको जो आप अपनी अपनी बुक्स में देखो कि आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है ना उसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट दी होगी लाइबिलिटीज है लेफ्ट साइड में बहुत ईजी है कैपिटल अकाउंट बनाना आपको क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है ज्यादातर क्या होता है देखो बैलेंस शीट मैंने यहां पे नोट डाउन कर ली थी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहां पर मेरी बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड है ना मान लो जैसे मैं कैपिटल अकाउंट नीचे बना रही हूं ठीक है तो लेफ्ट है ना इसको क्रॉस कैपिटल अकाउंट में राइट right में ट्रांसफर कर देंगे तो मेरा राइट मेरे यहाँ पे स्पेस नहीं था क्योंकि मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया इसलिए अब आप, आपको क्या ईजी भी लिए बता रही हूँ कि जैसे कैपिटल लेफ्ट है तो इसको राइट right में क्रॉस ट्रांसफरिंग तो मेरा राइट right साइड क्या हो जाएगा ये वाला तो मैं सबसे पहले इनके बैलेंसेस लिख दूंगी ए बी सी के ए का कितना दिया है वन लैख इसका कितना दिया है फिफ्टी थाउजेंड और सी का कितना दिया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पहला स्टेप हो गया सेकेंड स्टेप कैपिटल अकाउंट का सेकेंड स्टेप सेकेंड नंबर सीक्वेंस में करना है आपको बैलेंस शीट के अंदर ही आपको एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड में कुछ एक्यूमरेटेड प्रॉफिट लॉसेस दिए होते हैं जैसे जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह मैंने पूरी लिस्ट दी हुई है शॉर्ट्स में जाके चेंज इन प्रॉफिट इंग्रेशो की ये प्ले में जाना उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है तो उनमें से अगर आपको बैलेंस शीट में कोई भी चीज नजर आती है कुछ भी जैसे मुझे क्या था जनरल रिजर्व दिखा था आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट के जस्ट नीचे दिया हुआ है ठीक है जनरल रिजर्व अगर हमें पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना नीचे जनरल रिजर्व के बारे में उस पूरी एक्यूमेटिव प्रॉफिट लॉसेस की लिस्ट में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में अगर उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है तो वो क्या हो जाएगा हमेशा क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट इसके पूरे क्वेश्चंस हमने किए हैं पीछे सीरीज में जो इसी में प्रैक्टिकल्स में थे लेकिन अब हम सिंपल वे में करेंगे मैंने क्या बोला अगर कुछ भी रिजर्व वगैरह दिखते हैं तो उसको भी क्या करोगे क्रॉस ट्रांसफरिंग कर दोगे अगर लेफ्ट साइड दिया है तो कैपिटल अकाउंट में राइट right साइड में शिफ्ट कर दोगे अगर एसेट साइड में दिया, right दिया, राइट साइड तो उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दोगे क्लियर अब क्या दिया में जो? कोई थी? तो मैं कर आ जाएगा तो मैं क्या लिखूंगी यहां पर बाई रिजर्व आपको पूरा लिखना है मेरे पास स्पेस नहीं है लेकिन आपको पूरा क्लीन लिखना है रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है जब क्रॉस ट्रांसफरिंग करेंगे ना तो कुछ रेशो में करेंगे ओल्ड रेशो में कौन सी रेशो में ओल्ड रेशो में कितना है थर्टी थाउजेंड ओल्ड रेशो मेरी क्या थी थ्री इज टू टू इज टू वन तो थर्टी थाउजेंड को मैंने अभी सिखाया जिसे मैंने ये डिवाइड किया था क्या आया था थर्टी थाउजेंड का ओल्ड रेशो का टोटल क्या था सिक्स था ना तो इसको डिवाइड कर दो क्या आ गया फाइव आ गया फाइव थाउजेंड इंटू थ्री इसका क्या आ जाएगा फिफ्टीन थाउजेंड फाइव थाउजेंड इंटू टू कितना आ गया टेन फाइव थाउजेंड इंटू वन फाइव थाउजेंड नंबर टू स्टेप कंप्लीट नंबर थ्री पहला स्टेप देखो मैंने क्या बोला पहला स्टेप बाय बैलेंस बी डी सेकेंड स्टेप बैलेंस शीट के अंदर ही आपको चेक करना है कोई भी एक्यूबेटिव प्रॉफिट रिजर्व पड़ा है उसकी क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है अंटिल देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन ठीक है नंबर थ्री रीवैल्यूशन अकाउंट जो हमने बनाया हुआ था ना रीवैल्यूशन अकाउंट उसका प्रॉफिट या लॉस आएगा ठीक है उसकी भी हमें कैपिटल अकाउंट में क्या करनी है क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है किधर आया था लेफ्ट साइड में प्रॉफिट आया था इसको राइट right साइड में शिफ्ट कर दूंगी क्या लिखूंगी यहाँ पर बाय अब नंबर थ्री लिख देते हैं यहाँ पर आपको लिखने नहीं है मैंने आपको याद करने के लिए बता रही हूँ क्या लिखूंगी मैं क्या ट्रांसफ़र कर रही हूँ री वैल्यूएशन अकाउंट बाय री वैल्यूएशन अकाउंट आप पूरा लिखना यहाँ पे क्या लिख दूंगी चाहे लिखो चाहे ना लिखो यहाँ पर इसको ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना है प्रॉफिट बस सीधा ट्रांसफ़र कर दोगे वो समझ जाएंगे इसका कितना आया था सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसका कितना आया इलेवन थाउजेंड सी का मैंने यहाँ पे रेस कर दिया था कितना था उसका फिफ्टी फाइव हंड्रेड तो यहाँ पर कितना आ गया फिफ्टी फाइव हंड्रेड नंबर थ्री स्टेप भी कंप्लीट नंबर फोर नंबर फोर जो हमारा चेंजिंग प्रोफिशिंग रेशियो में होगा वो कौन सा स्टेप होगा गुडविल का जो हमने अभी वर्किंग नोट में गुडविल की एंट्री करी थी ना एडजस्टमेंट एंट्री मैंने उसकी जर्नल एंट्री बनाई थी सी डेबिट ए कैसे करना है बहुत सिंपल सी क्या है डेबिट है ना जब भी आपको जर्नल एंट्री से अकाउंट में डालना है तो पहले आप अमाउंट डाल दोगे सी के डेबिट है तो सी के डेबिट साइड में पहले अमाउंट डाल दो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का सी डेबिट है ना यहाँ पे डेबिट में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पहले डाल दो ए क्या है क्रेडिट है तो ए के क्रेडिट में डाल दो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब एंट्री पास कर दोगे बिल्कुल सिंपल बी का तो कहीं नाम ही नहीं था क्या करोगे ये नंबर फोर स्टेप है हमारा यहाँ पे किसका कॉलम है ए का ना तो अपोजिट नाम लिख दोगे क्या लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट इनमें कुछ नहीं था डैश डैश सी में क्या था सी का अपोजिट क्या था ए तो सी में किसका नाम लिख देंगे यहाँ पे टू ए कैपिटल अकाउंट ये भी कंप्लीट हो गई हमारी अब और हमारी इसमें कैपिटल अकाउंट में कोई और हमारी एंट्री अभी नहीं बची है पहला स्टेप बैलेंस बी डी दूसरा स्टेप एक्यूमेटिव प्रॉफिट रिजर्व की क्रॉस ट्रांसफरिंग अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है थर्ड स्टेप रिवैल्युएशन की एंट्री क्रॉस प्रॉफिट या लॉस की प्रॉफिट था तो इधर अगर इधर बैलेंस बचता तो इधर आ जाता नंबर फोर एंट्री गुडविल की एंट्री उसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल मैच करेंगे दोनों साइड्स का टोटल जिस तरह भी ज्यादा है अगर इधर ज़्यादा है तो इधर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा टू बैलेंस सी डी बी डी से स्टार्ट होता है सी डी पे ख़त्म होता है ये जो सी डी आएंगे वो अभी हमारी आगे जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें जाएगा अब देखो हम वन बाय वन करके करेंगे इधर का ही हमारा टोटल क्या लग रहा है ज़्यादा लग रहा है इधर तो किसी इसका कुछ भी नहीं है तो पहले ए का मैं टोटल कर लूंगी ए का टोटल इधर का सारा टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आप अपने अपनी नोट रफ नोटबुक्स में करना ठीक है वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इधर इसका कुछ भी नहीं है तो इसका यही का यही आ जाएगा क्लियर अब ऐसे ही बी का करें इन दोनों का एक ही डायरेक्शन में एक लाइन में होना चाहिए वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड आप अपनी बुक्स में आंसर चेक भी कर सकते हो अब इधर का करेंगे फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी प्लस इलेवन सेवेंटी वन थाउजेंड इधर इसका बी का भी कुछ नहीं है तो यही का यही आ जाएगा सी का देखो इधर का टोटल करेंगे ट्वेंटी फाइव में फाइव पे सबका टोटल ऐड करोगे तो आपका आ रहा है जीरो फाइव फाइव थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसमें से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे तभी हमारा यहाँ पर क्या आएगा थर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्योंकि मुझे इन दोनों का टोटल क्या है, कितना डिफरेंस रहेगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का और इधर का आ जाएगा सेवेंटी वन थाउजेंड ये बैलेंसेज अब हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे क्योंकि हमने जो बी डी किया था वो बैलेंस शीट से स्टार्ट किया था ना ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था अब जो अब हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें ये वाले बैलेंसेस जाएंगे अब बैलेंस शीट भी अब इन दोनों को रीवैल्यूएशन और कैपिटल रीवैल्यूएशन को मेनली देखकर हम बैलेंस शीट आपको सिखाऊंगे बिल्कुल ईजी वे में कि कैसे बनाते हैं अब देखो बैलेंस शीट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बिल्कुल ईजी तरीका बताऊंगी कि कैसे बनानी है कि आपकी कोई मिस्टेक ही ना हो कि बैलेंस शीट आपको कैसे बार बार आपको कुछ नहीं मैंने इसीलिए क्या किया कि पहले वाला इसको इरेज कर दिया रब कर दिया और ये नोट डाउन कर दिया ये जो ऊपर बैलेंस शीट दिया जो आपको ऊपर क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो बैलेंस शीट है और ये नीचे हमारा री अकाउंट है कैपिटल अकाउंट के सिर्फ मैंने बैलेंस नोट डाउन कर दी जो सी था उसकी नीड होगी मुझे अभी ठीक है तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बनानी है हमारी बैलेंस शीट जो पुरानी दी हुई है ना क्वेश्चन के अंदर उसको देखकर और रीवैल्युएशन को देखकर वैसे उसके बेस पर आपको नई बैलेंस शीट बनानी है अब आप आपको बता हूँ कैसे सबसे पहला आया रीवैल अकाउंट में जो चीज है ना हम ऊपर बैलेंस शीट से मैच करेंगे एसेट में चलते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया है लैंड क्या दिया है लैंड लैंड अगर देखो रीवैल्युएशन में जिसकी अब हम एंट्री करेंगे हमें नई बैलेंस शीट में वैसी आइटम्स लिखनी है लैंड दिया रीवैल्युएशन अकाउंट में अगर उसका नाम सेम साइड में है राइट right साइड में लैंड है अगर रिवेल्यूशन में उसी आइटम का नाम सेम साइड में है तो उतना अमाउंट वो क्या हो जाएगा एड हो जाएगा क्लियर और अगर उसका अमाउंट जैसे लैंड है अगर उसका अमाउंट क्या होता है अपोजिट साइड में होता है रिवेल्यूशन अकाउंट में तो वो उतने अमाउंट से माइनस हो जाएगा समझ आ गया क्या करना है अब मेरा लैंड का प्राइस क्या है फिफ्टी थाउजेंड रिवेल्यूशन में सेम साइड है ना सेम डायरेक्शन राइट साइड में है कितना है 30 तो मैं 50 को और 30 को क्या कर दूंगी प्लस कर दूंगी क्योंकि वो सेम साइड है अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे एसेट साइड में क्या करूंगी लैंड क्योंकि मेरा रीवैल्यूएशन में सेम साइड था तो मैं क्या करूंगी 50 प्लस 30 कितना लिख दूंगी 80000 क्लियर अब आई बिल्डिंग की बात अब देखना बिल्डिंग बिल्डिंग क्या-क्या है 50 बिल्डिंग सेम साइड है देखो नहीं है इसकी तो मैचिंग हो गई ना मेरी बिल्डिंग की सेम साइड नहीं है किधर है अपोजिट साइड क्रॉस हो रहा है ना क्या कर रहे हैं क्रॉस जब क्रॉस करती है कोई भी आइटम बैलेंस शीट की रिवेल्यूएशन से तो आपको क्या कर देना है सपरेट कर देना है माइनस कर देना है तो अब बिल्डिंग का क्या हो जाएगा देखो मैं क्या लिखूंगी बिल्डिंग लिखूंगी बिल्डिंग और इसमें क्या करूंगी क्योंकि मेरा अमाउंट रिवेल्यूशन में क्या हो रहा है क्रॉस हो रहा है फिफ्टी थाउजेंड माइनस कितना क्रॉस हो रहा है थ्री थाउजेंड का तो कितना प्राइस आ जाएगा यहां पर फोर्टी सेवन थाउजेंड का नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है प्लांट नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा प्लांट प्लांट का मेरा कहीं पर भी रिवेल्यूशन में नाम नहीं है जिसका कोई भी नाम नहीं है एज इट इज अमाउंट लिख दो तो प्लांट का प्राइस एज इट इज आ जाएगा प्लांट कितना है नेक्स्ट स्टॉक स्टॉक का भी रिवेल्यूशन में कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कहीं पर भी किसी का नाम नहीं है जिसके कोई नाम नहीं है उसको आप क्या करोगे एज इट इज लिख दोगे डेटर डेटर का भी नहीं है सेम डेटर का भी क्या करोगे सेम डाल दोगे बैंक बैंक का भी कहीं पर नहीं आया था कैपिटल अकाउंट में भी कहीं पर बैंक का नाम नहीं आया था तो सेम डाल दोगे एसेट साइड में ही कंप्लीट होती है अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले किसका नाम है क्रेडिटर्स का किसका नाम है क्रेडिटर्स का अब इसका भी सेम पॉइंट है जिससे मैंने एसेट साइड का बताया क्रेडिटर्स का देखो रिवोल्यूशन में सेम साइड है क्रेडिटर्स नहीं है किस साइड है अपोजिट साइड है क्या कर रहा है मेरा क्रॉस कर रहा है क्रॉस कर करेगा तो मुझे क्या करना है माइनस करना है सिंपल आप क्या लिखोगे यहां पर क्रेडिटर्स लिखोगे क्रेडिट अमाउंट क्या लिखेंगे हम फिफ्टी थाउजेंड का था माइनस कितना हो गया सिक्स थाउजेंड कितना हो गया ये फोर्टी फोर थाउजेंड का क्योंकि वो क्रॉस कर रहा था सेम साइड एट डिफरेंट साइड क्रॉस माइनस करना है नेक्स्ट क्या आता है बिल पेबल कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे जिसके बारे में कुछ नहीं है रिवोल्यूशन में एज इट इज लिख देंगे बिल्स पेबल कितना है ट्वेंटी थाउजेंड जेनर रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट जेनर रिजर्व जनरल रिजर्व क्या हुआ था कि जो कैपिटल अकाउंट में जब हमने जनरल रिजर्व को क्या किया था डिस्ट्रीब्यूट किया था जब भी कोई जनरल रिजर्व वगैरह की चेंज इन प्रॉफिट चेंग में कैपिटल अकाउंट में ने ये रब कर दिया था पीछे आप कैपिटल अकाउंट में देखना चाहकर मैंने क्या किया था जनरल रिजर्व को यहाँ पे लेफ्ट था ना राइट right साइड में क्रॉस कर दिया था तो क्या हुआ था वो कट हो गया क्योंकि सेम अमाउंट से अगर रिवोल्यूशन में जाता है पहली बात तो जनरल रिजर्व रिवोल्यूशन में जाता नहीं है जनरल रिजर्व क्या हो गया था डिस्ट्रीब्यूट हो गया था तो उसको हम नहीं लिखेंगे अब आता है कैपिटल्स कैपिटल्स के ये वाले बैलेंस तो मैंने कैपिटल अकाउंट में बी में लिख दिए थे मैंने जो सी आया था ना कैपिटल अकाउंट का वो वाले कैपिटल्स के बैलेंस लिखने हैं यहाँ पर कौन से बैलेंस लिखने हैं जो कैपिटल अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी ए का कितना आया था वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी का आया सेवेंटी वन थाउजेंड और इसका आया था टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन सबका ऐसे टोटल करके हम यहाँ डाल देंगे इसका आया टू लेख थर्टी एट थाउजेंड हमारा जो है बैलेंस शीट का क्या होता है टोटल पूरा बैलेंस शीट की सारी आइटम्स मैच हो जाती है मेरी रीवैल्यूएशन में चेक करना है अपने सारी आइटम्स की मैचिंग हो इसलिए मैंने टिक लगाती गई कोई भी ये तो प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो गया था प्रॉफिट हमारा इसमें नहीं जाएगा सारी कोई भी आइटम अगर रीवैल्यूएशन में बच जाती है तो वो सेम साइड इसमें ट्रांसफर हो जाती है कोई भी आइटम नहीं बची है अब हम बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे अगर दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आता है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाता है अब हम इसका टोटल करते हैं इस साइड का देखो अगर हम टोटल आप अपनी रफ नोटबुक में करके कर देखोगे इसका जो टोटल आ रहा है थ्री लैख टू थाउजेंड इधर का भी टोटल करोगे तो कितना आ रहा है थ्री लैख टू थाउजेंड दोनों साइड्स का टोटल मैच हो जाता है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है मैंने अपनी तरफ से पूरी इजी ट्रिक्स बताई हैं आपको इस क्वेश्चन में पूरा ऐसे क्वेश्चन आपका चांसेस है कि सिक्स या सेवन मार्क्स में वैसे मैक्सिमम मार्क्स जो इसकी वेटेज पूरा क्वेश्चन आता है फोर टू सिक्स मार्क्स में आता है तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन ऐसे सिक्स मार्क्स में आएगा स्टिल अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको मैं सोल्यूशन